गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज दूसरा दिन, कल थकान की वजह से आज सोने में उठने में देर हो गई है। सो के उठने में कल पूरा दिन लाइट नहीं कटी, शाम से ही रात तक, इसलिए जनरेटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अभी सुबह सुबह 5:30 बजे लाइट कट गई, तो यही भैया आ रहे हैं, लाइट लगा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कनेक्शन दे रहे हैं। ये देखिए क्या जुगाड़ लगाया है इन्होंने, दिखाता हूँ मैं। इसे भी लगाना है, ये है बाहर का कनेक्शन, ये है जनरेटर कनेक्शन, सब एक ही में लगा देंगे, सब जुगाड़ है। पिंटू भाई है, चाचा झाड़ू लगा रहे हैं। दीप्ति बच्ची नहा चुकी है, चलो देखते हैं अंदर कौन जग रहा है कौन नहीं। ये देखिए बिस्तर, ई हाल है। रुक जाओ आराम से बच्ची, यार देखो अभी सोते हैं। ए सभी, ए उठो 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 उठो, ये देखो सब बैठी सो रही है। ए लाइव चलो था। यहाँ देखो, यहाँ दादी तैयार हो रही हैं। है बाबू, उनका छोटा सिलेंडर उठा लो बेटा। ये देखिए तैयार हो रही हैं। अरे पहने हो कपड़ा, कहाँ नंगे हो। चाची भी अभी उठी नहीं, शिवा बच्ची सो रही है। ए शिवा, मम्मी चलो नहाओ यार आप लोग। ये हम नहाए, मम्मी नहाई, चाय बनाओ फिर। हाँ पापा भी सो रहे हैं। ए ए बिट्टी जाके, बिट्टी ये मेरी भांजी है, देखिए। ये मेरी ए बहन है। उठो तुम लोग, उठो नहाओ 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 नहाओ।
आने के लिए। बाकी सब बाहर बैठे हैं और पंडित जी लोग भी अपना आराम कर रहे हैं, फुलार कर रहे हैं। रखो बच्ची पानी रखो, मार रखो, ये दोनों अपना मजा मार रहे हैं। मुझे लिस्ट मिली है बहुत बड़ी सामान लाने की, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और हम लोग, मैं और बस्ती चिंटू भाई बस्ती निकलेंगे लेने के लिए। अभी बस्ती के लिए मैं, चिंटू और स्वयं जा रहे सामान लेने, तो अभी मिलते हैं अभी आगे से आगे। चलो भाई। तो फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं पोस्टर लेने के लिए श्री कृष्ण भगवान का, और हमने ले भी लिया है, दो पोस्टर लिया है हम लोगों ने इसी दुकान से लिया है यहाँ पे। और वो सरप्राइज है, हम आपको घर चल के दिखाएंगे कौन कौन सा पोस्टर है। हम लोग निकल चुके हैं बस्ती से की तरफ, अब सिर्फ हमें फल लेना है प्रसाद के लिए, और बाकी जो सामान की लिस्ट वहाँ देखे हैं सामान लेना है, फिर चलेंगे घर। देखिए हमारी गाड़ी 120 की स्पीड चल रही है। गाइस, हम लोग मासूर पहुंच गए हैं और हमारा मन कर रहा है गोलगप्पा खाने का, चल रहे हैं गोलगप्पे खाएंगे। स्वयं का भी मन है, हो सकता है वैसे खाता नहीं है वो, एक आध तो खा ले, खाएगा। तो अब हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने, दुकान आ चुकी है। मैं खाऊंगा पानी वाला, दही वाला। हम लोग दही वाला खाएंगे, स्वयं पानी वाला खाएगा। दो प्लेट बना देना, पहले वो गोलगप्पे दही वाले, उसके बाद से देख। गोलगप्पे में समय लगेगा, टिकिया टिकिया नहीं खाएंगे, टिकिया खाओगे, टिकिया खाओगे। टिकने भाई समय नहीं है भैया, आप गोलगप्पे खिला दो अभी, क्योंकि घर पे काम हो रहा है ना। दही वाले। दही पड़ी अच्छा होता है भाई, खा के देख टेस्टी होता है। ये मसाला वगैरह, नमकीन पर हल्की सी, फिर प्याज उसको दो, दो भैया, चिंटू भाई को दो, चिंटू खाओ। देखिए कितना अच्छा लगा देखने में, पानी वाले पसंद है, खा के तो देख भाई अच्छा होगा। पुड़ल 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 जा मर्दवा। कैसा लगा? नेट मजा आया? अबे हाथ वो पूछ लोगे, स्वयं को नहीं मजा आया। चिंटू भाई कैसा है? बढ़िया है ना, अच्छा होता है, इसलिए तो मैं आता हूँ यहाँ पे खाने के लिए। भैया उसको पानी वाला खिला देना, हाथ पहले धो लो, जो हाथ धो लो, ये ना पहले हाथ पानी धो लो, जो हाथ धो लो पहले। खाया दही वाले गोलगप्पे खाए मैंने, चिंटू ने, स्वयं खा रहा है, उसको दीखा लग रहा है स्वयं ना। हाँ स्वयं की हालत खराब, बहुत ज्यादा तीखा। नहीं आप भैया पानी कम डालो, थोड़ा सा मीठा डाल के खिलाओ उसमें, लाइए मैं खा लेता हूँ, दूसरा खाओ, मीठा मीठा डाल के खाओ, मीठा डाल के। बहुत तीखा भैया, मीठा डालो मीठा, बच्चा कैसे खाएगा। आपकी कैसा है?
अभी ठीक है? चिंटू खोलना इसको। जो खा पाना वो खाना, अन्य खाना बंद कर दे। बस दोनों फिनिश कर लो। गिरा क्यों रहे हो? कपड़े भी गिरा लिए थोड़ा सा। मम्मा पिटाई करेंगे। चल चलो खा लो, आराम से खा लो। सब कैसा लगा खाने में? जैसे मुंह में पानी गया, खत्म भाई। मजा आया खाने में? मजा आया बहुत। तीखा मैंने इसलिए कहा, दही वाला खाओ। तो अब चलते हैं घर की तरफ, क्या और कुछ खाना है। तो आए हम लोग प्रसाद के लिए फल लेने। ये देखिए नींबू, स्वयं अचंभित रह गया, अभी तक इसने पहली बार नींबू देखा इतना बड़ा। सच्ची में हाथ से बड़ा नींबू? हाथ से बड़ा मेरा हाथ यहाँ तक आ रहा है। और ये वाला उससे बड़ा है? ये उससे बड़ा है। और ये देखो कितने बड़े बड़े अमरूद। छोने छोने तो हम लोग फाका डाल आ गए हैं। हाँ का सामान लेना है बस। स्वयं का कुछ खाने का फिर से मन कर रहा है। क्या खा रहा है? वक्त क्या सुने, गोलगप्पा पचा नहीं अभी तक, कुछ ज्यादा ही गर्म न कर गया अंदर। गरम कर रहा है क्या? ढका गर्मा गर्म ढका आ रही है। फिर आई ढका जत्र गन्ना होता है। तीसरे दिन सामान दाल हो गया। हाय हां दाल रखी थी, सीधा नमन रखी थी, सब मिला दिया, सामान रखा दिया गया। छोटी इलायची बोल ली यार पहले, तो से हल्का सी कहां रख ला? छोटी इलायची रख ला, रख ला नहीं मोटी। अब मूंगफली तेल 1 लीटर, शैंपू है, मटर दाल, मटर दाल दी। तो अभी सामान लेके कुछ हमें और चिंटू भाई आ गए। यहाँ आरती हो रही थी, चिंटू भाई प्रसाद बांट रहे हैं, सब प्रसाद ले रहे हैं सब बच्चे। टाइम हो रहा है, टाइम मैं देख के बताता हूँ आपको, 5:30 बज रहे हैं। अभी आई घंटे के बाद कथा चालू होगी। फिर सब बच्चे हैं यहीं पे, तो अभी थोड़ा सामान रह गया, पाकड़ भी जाएंगे लेके आएंगे दोबारा से हम लोग। और कथा का हाँ कथा की वीडियो भी आएगी, तब फिर अपलोड होगी रात में। हाँ चाची ब्लॉग नहीं बना रही है, इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शिवी एंड स्वयं, स्वयं एंड शिवी सर, मैं मेंशन कर दूंगा अपने चैनल में। तो हम लोग कार से जा रहे हैं सामान लेने, चाचा ड्राइव कर रहे हैं सफारी से। अरे हाँ हाँ सफारी से, रास्ता बहुत ही खराब है यहाँ गौरा घाट वाला, तो सभी वाकिफ है यहाँ की सड़क से, विख्यात है ये पूरे जवार में विख्यात है। बट हमने अपने सफारी में रफ रोड एक्टिवेट कर लिया है, जिसकी वजह से हमें गड्ढों का पता नहीं चल रहा। ये भी बढ़िया सिस्टम है। देखिए सड़क देखिए जरा, महानिकम्मी सड़क है ये, अभी तक बन नहीं पाई है। ये बंगलिनी या खेसारी का गाना चल रहा है, नाम ले लिया गाने का। चिंटू भाई पीछे बैठा है, साइकिल वाला आ रहा था, कहा था लोग, किसी ने फोन भी कर दिया, महापति पांडे जी का फोन आ रहा है। गौरा घाट पे चढ़ गए हम लोग, गौरा घाट पे चढ़ गए, यहाँ से बढ़िया सड़क मिली है। ये बना रखा है हचकुआ, ये राम जी है। जय भोलेनाथ। तो सामान वामान हमने ले लिया है, तो और ठंडी लगे थे, चाचा का जलेबी खाने का मन हुआ है, गर्म गर्म जलेबी तो दिखाते हैं कुछ ठंडी। ये जलेबी ले लिया हम लोगों ने, और आलू भी चल रहे। ये भैया पकड़ना पड़े, 10 में भारी आलू है यार। हाँ थोड़ा सा पकड़ लो।
उठा लोगे? याद देखो कथे की जो वीडियो मैंने उसको कथे की वीडियो को मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। अब से यही समय मिलता है मैं उसको अपलोड करता हूँ। और जैसे कि हो सकता है कि पार्ट पार्ट में मुझे डालना पड़े क्योंकि आप समझ रहे हैं 2 घंटे लगातार कथा और फिर रिकॉर्डिंग, तो अभी मैं नया हूँ मुझे कंप्रेस वम्प्रेस करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा पार्ट के पार्ट में आ सकती है वीडियोस। लेकिन आपको कथे कथा पूरा मिलेगा, मैंने जैसे कहा है कथे की वीडियो आपको मैं डालूंगा पूरे अवेलेबल करूँगा जैसे मैं। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तो अभी चल रहे हैं हम लोग भी खाना वाना खाएंगे, फिर यहाँ की व्यवस्था सब जैसे खुला खुला है तो वैसे बंद करेंगे, उसके बाद फिर जो सामान वामान इधर उधर बिखरा पड़ा है उसको सब खत्म करके फिर सोएंगे जिससे सुबह जल्दी ही उठ सकें। बाकी जानते ही हैं काम की वजह से रिकॉर्ड करना नहीं हो पाता है ज़्यादा, तो और वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ मैं, और कोई दौड़ने वड़ने वाला भी नहीं है। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कथा और आरती वरती वगैरह हो जाए। वैसे आरती मैंने शाम और सुबह दोनों की अपलोड की है। हाँ हो सकता है साफ ना आई हो या कुछ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आगे से कोशिश करूँगा कि उससे बेहतर कर सकूँ, उससे अच्छा है। बाकी बस आप वैसे सपोर्ट करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम।